हेलो एवरीवन, ये है महिंद्रा की ब्लोरो पावर प्लस बॉस ईसीएम में। इसका मेरे पास डैशबोर्ड और इंजन दोनों पार्ट है, तो जो भी चाहिए एक बार फ़ोन कर लेना। इसका ईसीएम है, बॉस के ईसीएम में है। अगर इसका एसएलएक्स और जेडएलएक्स भी चाहिए, डेल्फी ईसीएम वाला, तो वो भी है मेरे पास। तो इसका बॉस का ईसीएम है, बार देख लो, बॉस ईसीएम है। इसका ये मेन का मेन सॉकेट है, ये जो डैशबोर्ड को जोड़ेंगे। एक ये है, ये है, और एक ये, एक यहीं पे एक रिले भी है, और एक ये है। इसके कलर कोड सेम ओरिजिनल वाले हैं, और वायर सील हमने पहले डाल रखी है कि वाटर प्रूफ रहे। और ये फ्यूज की डब्बी है। उसके बाद यहीं पे एक छोटा अर्थ भी निकला हुआ है। यहाँ से थोड़ा इधर आता ही फ्यूज बॉक्स है, फ्यूज बॉक्स है ये, और एक ये है फ्यूज बॉक्स जिस बगल में ही है। इसके आगे ही थोड़ा सा ये रिले के सॉकेट हैं सारे, इसमें 3 2 5 रिले है, 5 रिले के सॉकेट हैं इसमें, 5 रिले के सॉकेट हैं। इसके बाद थोड़ा आगे यहाँ इधर से ये वाला कुछ है, इसमें जिसमें इंजेक्टर इंजेक्टर के सॉकेट हैं। ये 3 इंजेक्टर वाली गाड़ी है, मतलब 3 सिलेंडर वाली जो पावर प्लस आती है वो है। एक ये सॉकेट है, एक ये है, एक ये है, ये देखो इसका इंजेक्टर एक है, एक ये सॉकेट है, एक इसका इंजेक्टर दो है, और ये तीसरा। 3 इंजेक्टर की गाड़ी है ये, एक दो और ये 3, देख लो एक बार। ओरिजिनल ये कलर कोड में है, ये जो ओरिजिनल आता है वही कलर कोड में है ये। इसकी फिनिशिंग देख लो, क्लॉथ की टेपिंग है, इसे कोई दिक्कत उक्कत पकड़ में ग्रिप में दिक्कत ना हो उसके लिए है ये। एक ये सॉकेट है थोड़ा आगे जाते ही, एक ये है, एक ये तार है। ये थिम्बल भी इसका ओरिजिनल है, बैंड ही नहीं हो सकता कितने भी दम लगा लो। एक ये सॉकेट है और एक ये है, इसमें एक तार है। उसके बाद थोड़ा यहाँ से आगे पीछे की तरफ आगे निकल जाता है, एक हेडलाइट होल्डर है ये शायद किसी का होगा, देख लो आप अपने हिसाब से। कलर कोड सेम है इसमें भी, एक ये सॉकेट है इसमें, देख लो। और ये दो तार हैं, और एक ये है, एक ये है, और एक ये है, इसमें देख लो एक बार। जो ओरिजिनल में जैसा वायर सील रहेगा हमने भी एकदम सेम वही डाल रखा है कि कोई दिक्कत उक्कत ना हो, क्योंकि ये जेन्युइन चीज़ है। जैसे कि अंदर वायर के वायर सील रहेगा तो वाटर प्रूफ रहता है, नहीं तो वरना क्लिपों में थोड़ा सा जंग टाइप का लग जाता है। तो उसके सेफ्टी के लिए वायर क्लिप लगानी चाहिए, ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी ये देख लो आप एक बार, और कलर कोड इसका सेम है। अगर कमर्शियल गाड़ी का काम करते हो तो एक बार फ़ोन करके पूछ लेना, मेरे पे काफ़ी ज़्यादा रेंज है कमर्शियल व्हीकल की, छोटी गाड़ियों की। बड़ी गाड़ी में काम करते तो अपना सिग्ना उना का ले लेना, वो सब भी है। तो एक बार फ़ोन करके रेट लिस्ट भी ले लेना। मैं फ्यूज बॉक्स खोल के दिखाता हूँ, फ्यूज बॉक्स है ये, अपने फ्यूज भी लगेंगे इसमें। ये ब्लोरो पावर प्लस है, इसमें एसएलएक्स में एसएलएक्स भी चाहिए 12 13 मॉडल, तो भी है। इसके सारे पार्ट मिल जाएंगे मेरे पास पावर प्लस के, तो मेरे पे डैशबोर्ड और इंजन है, बैक वाली नहीं है उसके भी, तो मेरे पास आई नहीं है। अगर आ जाएगी तो भी बन जाएगी। बाकी एसएलएक्स जेडएलएक्स और ब्लोरो पिकअप उकअप का काम है आपका, तो वो भी है मेरे पास। BS2 BS3 BS4
सेंसर में जो BS6 तक आ रही है वो भी मिल जाएगी मेरे पास। क्वालिटी OEM वाली ही है जो ओरिजिनल में आती है। इसमें जो वायर है वो सेम वायर है जैसे कि अपना ओरिजिनल में आता है, किसमें एक भी MM का फ़र्क नहीं है, जेन्युइन चीज। क्योंकि ये सेंसर वाली गाड़ियाँ हैं, ये हैवी लोड के लिए होती हैं, तो इसमें थिंक वायर ही चलती है, ओरिजिनल है ये। बाकी मैंने और भी वीडियो डाल रखी हैं, एक बार देख लो जो आपको चाहिए, जहाँ तक मैंने डाल ही रखी हैं तो एक बार देख लेना अपने हिसाब से, जो भी चाहिए एक बार फ़ोन करके इंक्वायरी भी ले लेना, सब मिल जाएगा मेरे पास।